मनीषा का डेट कितना तारीख को निकला है, यानी कि बच्चा कब तक उसका हो जाएगा, अब कब तक होगा ये डेट यानी रानी का। तो अभी तो मनीषा का ही बच्चा हमको बुआ सबसे पहले बोले, कितनी खुशी की बात है ना गाइस। चले बने रहे। सो गाइस देख सकते हो मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रहे हैं बता दीजिए। मेरा दामाद के लिए अपने हम चिकन बनाएंगे, अभी चिकन लेकर आया बुआ यानी कि मेरे हस्बैंड को बिना चिकन के खाना घुसता नहीं है, तो इसीलिए सीमल चिकन लेके आया है और मम्मी टेस्टी टेस्टी बनाई, क्योंकि दामाद को निराश नहीं करना चाहती है मम्मी ना माँ। मम्मी चिकन बहुत पसंद मेरे हस्बैंड जी को, तो इसलिए जब भी हस्बैंड जी आते हैं सास का घर तब तब चिकन बनता है। हाँ माँ का हाथ का चिकन खाएगा वो, ऐसा होना चाहिए सासू माँ जो अपने दामाद को परवाह करे। हाँ वह टेस्टी लगता है बोलता है मेरा दामाद। तो देख सकते हैं माँ कितना मेहनत कर ली अपने दामाद के लिए। और इसको देखो पैर उठा कर डांस कर रहा है, इसे कौन डांस करता है कौन डांस करता है। और इसको देखो जब जब हम ब्लॉग बनाने लग जाएंगे तभी आ जाएगा मुँह उठा के ब्लॉग बनाने। देखो तुम कहाँ देखे थे अभी, हम आए ना मम्मी के पास बोल ब्लॉग बनाने। नहीं हम तो मम्मी के पास गए ही नहीं, इधर बैठे हुए अंदर बैठे। नमस्ते दोस्तों, जोहार झारखंड। अच्छा जोहार झारखंड। सो है एवरीवन, तो बताइए कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम लोग घर से बाहर निकले हैं और टहलने के लिए घूमे हैं। तो इसलिए क्योंकि घर में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो इसलिए अभी हम लोग बाहर निकले हम सब। तो हम पूरे पलटन हैं, मेरे दोनों बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ। और क्या बताओ क्या नहीं बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस अभी बहुत कम ब्लॉग हम लोग घूम रहे इधर से उधर, मतलब मॉल साइड से अभी इधर आ रहे हैं हम लोग। हाँ मॉल साइड से, हाँ टेस्टन से सारे घर, टेस्टन में वीडियो शूट करने के लिए आए थे। हाँ बहुत जल्दी आप लोगों को ब्लॉग बोले शॉर्ट वीडियो मिलेगा, आप लोग देखिएगा बहुत मस्त मस्त तेरे मस्त मस्त दो नाइन मिलेगा। कहाँ नहीं नहीं ये तो बिलायती है, हम लोगों को क्या नाम ही नहीं पता मेरा डोगी का। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लोग कहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं आप लोग को दिखाते हैं और घुमाते हैं आप लोगों को भी। और अभी हम लोग क्या क्या खाएंगे वो भी दिखाएं, क्या क्या ठूसेंगे हम लोग। चाउमीन खाएंगे और पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। क्या कर रहा पीछे सोमनाथ को, सोमनाथ को मजा आता है तो सिमल देता है अच्छा से, तब भी हम बना सकते हैं। So, hey guys, हम लोग ठूसते इतना रात हो गया कि हम लोग को पता नहीं भरा। खा के नमक हलाली करती है, नहीं अच्छा लगता है। 10 का गोलगप्पा खाए, 10 का पापड़ी खाई ना, खाई ना तू खाते खाते एक गोलगप्पा आधा घंटा, पाँच घंटा पाँच गोलगप्पा। हाँ तो गाइस इतना ज्यादा रात हो गई, आ रहे भी हम लोग जा रहे पैदल, हम लोग मॉल साई जा रहे हैं अभी फिलहाल। अरे छह नहीं पाँच गोलगप्पा खाए। तो गाइस आज मैं बहुत पर्सनली बात आप लोगों को बताने वाली हूँ और आपको जानना है। क्या बोल रहे रे? कुछ नहीं बाद में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। चलिए गाइस आप सब बने रहो, तब तक मेरा भाई हमसे जल रहा है क्योंकि हम इतने सुंदर लग रहे हैं ना हम तीनों, इसलिए इतने सुंदर हूं मैं। क्या करूं क्या करूं, मर जाऊं। दीदी मेरा ड्रेस मैच खा रहा है। हां देखो ये फेंका गई है बस हम लोग मैच हो गया है। मेरा गाल तो निकल गया दीदी, थोड़ा निकल गया ना, मानती हो। तो चलो बने रहो। वो देख रहे ब्लॉग कैसा बना रहा, देखिए गाइस जानबूझ के कैमरा हम लोग की तरफ दिखा रहा है कि हम लोग। सो है एवरीवन, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं जस्ट, और देखिए तानिया बेटी सो गई है और दूध परी भी सोई है, और इधर देखो सीमल कुत्ता सो रहा है, और कुत्ता मतलब मेरा वाइटी उसका देखो गुस्सा हो गया, वो इसका डॉगी बोलने से गुस्सा हो गया, सॉरी नहीं बोलेंगे, और वो खेल रहा है। मम्मी भी सोई है, सोमनाथ भी देख रहा है। और अभी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बहुत सारा गाइस,
तो गाइस बहुत दिन से मैं वीडियो अच्छा से नहीं डाल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो अभी हम लोग रात को शॉर्ट वीडियो बहुत सारा बनाने वाले हैं, तो गाइस आप लोग सपोर्ट करो और क्या ही बता सकते, जितना हो सके उतना। और छोटी सी छोटी ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाने को, छोटा ब्लॉग 8 मिनट का भी आजकल तो मुझे बहुत हार्ड लगने लगा है ब्लॉग, लेकिन जो भी है जैसा भी है हमारी कंटिन्यू ब्लॉग है। क्या तभी सीमल बनाएगा उसके बीबी को, क्या पढ़ाएगा सीमल? घाघरा चोली। तो चलिए गाइस थोड़ा हम लेट लेते, बहुत थक गया है और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैं आप लोग एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, मैं हम आए थे 4 लेकिन मेरे हस्बैंड जी चले गए छोड़ के हमको, मम्मी घर छोड़ दिया हमको और वो चले गए, और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा नागा हो रहा है, क्या बोलूँ गाइस। अभी मुझे काम भी करना है और स्कूल भी, बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रहा, आए थे कुछ काम से, आप लोगों को तो पता है कुछ काम से हम लोग आए थे, और अभी हमको टाटा जाने का मन कर रहा है। क्या ही बोले गाइस, हमको टाटा लेके जाओ प्लीज़, हमको टाटा लेके जाओ। सो गाइस आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये तो हमें भी नहीं पता उसका डेट कब है, पर हमको लग रहा 2-4 दिन में, 2-4 दिन मतलब यही महीना उसका बेबी आ जाएगा, बहुत जल्द उसका बेबी आ जाएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो दिख रहा था 30 तारीख को मनीषा का बेबी का डेट दिख रहा था 30 तारीख को। अब 30 तारीख के बाद और कितना तारीख करेगा वो तो हमको नहीं पता, अब वो तो वक्त ही बताएगा अब कितना तारीख को उसका बेबी होने वाला है। तो हम लोग भी वेट कर रहे कि उसका बेबी आ जाए जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको ध्यान तो हम लोग उसके साथ, हम तो हम और सीमल मतलब हम तो नहीं रह पाते लेकिन पूजा रहती है, तो वो तो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है और वो सब कुछ दिखाती है ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग तो साथ में रहते नहीं, क्योंकि मेरा तो काम और बच्चा से ही फुर्सत नहीं मिलता, तो कैसे उसको ध्यान दे। लेकिन हाँ जब उसका बेबी 4-5 दिन बाद बेबी हो जाएगा तो ज़रूर से ध्यान देंगे, बेबी आ जाएगा, बेबी सबको बन जाएंगे, हम क्या बनेंगे रे, हम बड़ी मम्मी फिर से बनेंगे, एक पीहू का भी बन दादी नहीं मामी नहीं नहीं नानी वाली नानी है दादी। सीमल का बच्चा मेरे को क्या बोलेगा हा? सीमल का बुआ, हम बुआ बन जाएंगे गाइस, फिर से एक बुआ बन जाएंगे, वाओ इंटरेस्टिंग वीडियो, कितनी अच्छी बात है ना, फिर से बुआ बन जाएंगे। अब बुआ तो मेरा भाई तो दे भी नहीं, मेरा भाई का तो बच्चा भी है नहीं, मतलब मेरे भाई का तो अभी है नहीं।